ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आम इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है, तमाम पार्टियां ज्यादा ज्यादा वोटों के पास पहुंचने की कोशिश में हैं, इसलिए मीटिंग शो और साथ ही साथ रैलियां रोड शोज जारी हैं। पीडीपी आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर रही है। जनूबी कश्मीर में महबूबा मुफ्ती रोड शो की क्यादत करेंगी, अनंतनाग और शोपिया में पार्टी मुहिम चलाएगी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला भी किश्तवाड़ में एक्शन में नजर आएंगे, वो चित्रों में अवामी इजलास से खिताब करेंगे, जबकि डीपीएपी सरबराह गुलाम नबी आजाद उखराल और बानिहाल में रैली करेंगे। नेशनल हाईवे 44 बंद है, मिट्टी का तोड़ा गिरने के सबब आमदरफ्त बंद हो गई है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं, नेशनल हाईवे 44 बंद है। नेशनल हाईवे 44 फिलहाल यातायात के लिए बंद है, मिट्टी का तोड़ा गिरने से यानी लैंड स्लाइडिंग एक कारण बना है, जिसकी वजह से आमदरफ्त वहां बंद है, यातायात अभी रोक दी गई है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद बताया जा रहा है। तो ये एक अहम खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, नेशनल हाईवे 44 बंद है मिट्टी का तोड़ा गिरने के कारण, यानी लैंड स्लाइडिंग की वजह से इस शाहराह पर अभी आमदरफ्त मुमकिन नहीं है। एसएसजी रोड और मुगल रोड भी बंद है। गांधरबल और कुपवाड़ा में बारिश के कारण नदियों और नहरों का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कल रात कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। गांधरबल के रामवारी कुंड में अफरा तफरी मच गई। ये क्षेत्र पहाड़ों के दामन में है, लेकिन एसडीआरएफ पुलिस और स्थानीय लोग हरकत में आए। किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आज सुबह से मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है, बारिश रुक गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।